विधानसभा चुनाव के ठीक पहले जबलपुर पुलिस ने अवैध नशीले पदार्थों को लेकर बड़ी कार्रवाई की। करोड़ों रुपए का गांजा पकड़ने की जानकारी जब एडीजी को लगी तो वे भी मौके पर पहुंच गए। तिलवारा थाना पुलिस ने करोड़ों रुपए के गांजे को जब्त कर ट्रक ड्राइवर और हेल्पर को गिरफ्तार किया है। पुलिस का मानना है कि जांच के दौरान यह गिरोह अंतर्राज्यीय निकल कर आएगा। जबलपुर पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि करीब 2 करोड़ रुपए की कीमत का 1200 किलो गांजा उड़ीसा से लाया जा रहा था। गांजा को उड़ीसा से होते हुए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र होते हुए हरियाणा में खपाना था। इसके अलावा राजस्थान में भी गांजा की डिलीवरी होना थी। जी सर, डी साहब और एडिशनल डीजी साहब, सभी लोगों के निर्देश थे कि विधानसभा चुनाव की दृष्टिगत रखते हुए बड़े स्तर पर कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, और उसी को हम लोगों ने डेवलप करते हुए आज यहाँ पर हम लोगों की जो चेकिंग लगी थी उसमें, उस चेकिंग में बड़ी मात्रा में एक ट्रक जिसमें नीलगिरी की लकड़ियाँ लोड थी, उसमें अंदर छिपा के 12 क्विंटल से ज़्यादा गांजा लोड करके ले जाया जा रहा था। आयोग के द्वारा, पुलिस महानिदेशक के महोदय द्वारा भी जहाँ निर्देश दिया गया था कि बॉर्डर्स में पूरा चेकिंग पॉइंट्स लगाए, इसी तारमय में उन लोगों का चेकिंग पॉइंट्स लगाया था। तो आज उनको सूचना मिली कि इस प्रकार का कोई छत्तीसगढ़ से ट्रक हो सकता है कि गांजा लेके जा रही है, तो उन्होंने तो ड्राइवर को पकड़ के पूछताछ किया, तो उन्होंने कबूला कि इसमें कुछ ऐसे पदार्थ है जो उसको जानकारी नहीं है, मगर फिर बाद में उसने कबूला कि इसमें गांजा भरा हुआ है और छत्तीसगढ़ से हरियाणा की तरफ जा रही है।